मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं चार पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, चार पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई है। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। आज अल जमाया तुस सैफिया जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र का विस्तार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को मुंबई शाखा शुरू होने की और 150 साल पुराना सपना पूरा हुआ है, आपने पूरा किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत दिल से बधाई देता हूं। साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता ना हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार एक प्रकार से बरसता रहता है। और मुझे तो, मैं हमेशा एक बात जरूर बताता हूं, मैं सैयदना साहब 99 एज थी, मैं ऐसे ही चला गया वहां सरसपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी, मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का, क्या कमिटमेंट है 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना। और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है, कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें, तो सैयदना साहब ने मुझसे कहा तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला, लेकिन उनका बड़ा आग्रह था तो मैंने कहा देखिए गुजरात को तो हमेशा पानी का संकट रहता है, आप उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं उस एक बात को, आज इतने साल हो गए
पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए, ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहाउद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया आपने गादी संभाली, वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा।